हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स या फिर टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो सपोज हमारे पास ये पहला वायर है, ये करंट आई वन है और ये हमारा करंट आई टू है। टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में कितना फोर्स है? तो पहला हम देख रहे हैं जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में हमारा फोर्स कितना आएगा। सपोज इनके बीच का सेपरेशन है हमारे पास आर, इस आई वन की वजह से यहां पे क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू आई वन। आई वन की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा आएगा? अंदर की तरफ। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। हमें पता है अगर करंट कैरिंग वायर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स कितना आता था? एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ये। तो इस वायर पे फोर्स ऐसा कुछ लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन एल क्रॉस बी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? तो पहले हम देखते हैं बी वन की वैल्यू आ गई, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। लॉन्ग वायर है, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इनसाइड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास अंदर की तरफ। अब हमारा ड्यू टू बी वन आई टू या फिर वायर टू एक्सपीरियंस फोर्स कितना फोर्स लगेगा? एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल हमारा किसके अलोंग लेते हैं? करंट की डायरेक्शन के अलोंग। तो करंट है हमारा ऊपर की तरफ और बी है अंदर की तरफ। एल राइट हैंड रूल, एल क्रॉस बी, बी अंदर की तरफ है, थंब हमारा ऐसा कुछ पॉइंट कर रहा। तो ये आया हमारा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कितना आ गया? आई बी एल। बी और एल के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्यों? एल हमारा ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, कितना एंगल दिख रहा है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। एफ टू वन आ गया। उसी तरह डायरेक्शन भी हमें पता चल गई एफ टू वन की। अब उसी तरह हम इस आई वन पे निकालेंगे आई टू की वजह से फोर्स। ड्यू टू आई टू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? ये करंट था ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी ये हमारा पॉइंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड पाम हमारा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? बाहर की तरफ। तो ये आ गया हमारे पास आउटसाइड, मतलब डॉट। इस पे फोर्स कितना लगेगा? एफ टू वन को क्या लिख सकते थे? आई
बी वन इंटू एल, उसी तरह से फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सेकेंड वाले वायर की वजह से वन वाले पे कितना फोर्स लगा, आई एल क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में, एल ऊपर की तरफ करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, राइट हैंड को कर्ल कर दिया तो थंब हमारा इधर की तरफ पॉइंट कर रहा, ये आ गया हमारा एफ वन टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये भी आएगा हमारा आई। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, किसकी वजह से आया है, बी टू की वजह से। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब यहाँ पे हम बी वन और बी टू का मैग्नीट्यूड अगर देखें, एफ टू वन हमारा करंट, इसका लेंथ कितना होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो वायर का हमने एक लेंथ मान लिया है ये एल लेंथ, इस पे करंट कितना था आई टू, तो यहाँ पे आएगा आई टू, तो मैंने इसको नोट कर दिया, तो यहाँ पे आएगा एक्चुअल में आई टू। उसी तरह एफ वन टू में भी इतना लेंथ, कुछ पार्ट लेंथ कंसीडर किया है, उस लेंथ में कितना फोर्स है, यहाँ पे करंट है आई वन, आई वन बी टू एल। अब एफ टू वन, एफ टू वन आ गया हमारे पास आई टू बी वन एल, पुट करेंगे अगर वैल्यूज आई टू, बी वन था हमारे पास म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर एल एफ टू वन, तो एफ टू वन आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई आर। अगर हम एफ वन टू देखेंगे तो आई वन बी टू एल, आई वन इंटू बी टू कितना आ रहा, म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर एल, म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई आर, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, इसको नोट कर सकते हैं। तो एक हमारा ये वाला पार्ट और दूसरा हमारा एफ वन टू, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, डायरेक्शन हमने देख ही ली थी। एफ वन टू इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन हमारा कैसा आया था, ये हमारा वायर वन था, ये हमारा वायर टू था, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एफ वन टू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वन। ये क्या कर रहा, न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इफ करेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर करंट हमारी सेम डायरेक्शन में, तो वायर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा सिमिलर केस हमारा, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, केस टू अगर देखें, अगर ये करंट आई वन
और करंट हमारा दूसरे में आई टू। यहाँ पे क्या चीज़ चेंज होगा, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा अंदर की तरफ, तो यहाँ पे हमारा फोर्स कितना आएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन आई टू। इसका कुछ लेंथ ले लिया हमने एल लेंथ आई टू। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से है, बी वन की वजह से इंटू एल। एल क्रॉस बी होता था, एल हमारा नीचे क्रॉस बी, फोर्स कैसा आ रहा बाहर की तरफ। इस वायर पे भी सेम फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, निकाल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा आई टू। बी वन की वैल्यू अगर ये आर डिस्टेंस पे है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर म्यू नॉट आई वन एल, तो म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई आर। तो ये है फोर्स बिटवीन टू वायर्स, और अगर दो वायर्स हमारे करंट अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसा आएगा, यहाँ पे थंब रखा नीचे की तरफ, थंब हमने रखा नीचे की तरफ और डायरेक्शन हमारा कैसा है, थंब नीचे की तरफ, ये पॉइंट है वायर में, मैग्नेटिक फील्ड पाम कैसा आ रहा अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है डॉट, यहाँ पे फोर्स निकालेंगे एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी फोर्स कैसा आ रहा बाहर की तरफ। तो सेकेंड केस में हम लिख सकते हैं इफ करेंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन पैरेलल वायर्स रिपेल ईच अदर। तो दोनों वन एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वन एम्पियर, वन एम्पियर हमने डिफाइन किया है कि अगर हमारे पास दो वायर्स हैं जिनमें वन एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, अभी हमने मान लिया है कि एम्पियर हमारा डिफाइंड है, दो वायर्स अगर उनके बीच का फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स हमारा कितना था म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई आर। इसको लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। तो ये वाला फॉर्मूला तो पहली बात तो ध्यान रखना है, फोर्स हमें फाइंड करना है। अगर हमारा वायर का लेंथ वन मीटर ले लें, लेंथ को ले लेते हैं वन मीटर, और करंट हमारा दोनों में कितना है वन एम्पियर, डिस्टेंस या फिर आर को ले लेते हैं वन मीटर्स, एल को अगर वन नहीं लेना है तो हटा देते हैं, हमारा आंसर पर मीटर के टर्म्स में आ जाएगा। पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू फोर पाई इंटू टेन पावर माइनस सेवन वन इंटू वन, क्योंकि करंट वन एम्पेयर था, टू पाई इंटू आर की वैल्यू वन, पाई से पाई कैंसिल, टू टू ज़ा फोर, तो टू इंटू टेन पावर माइनस सेवन न्यूटन फोर्स पर मीटर। तो वन एम्पियर हमारा क्या करंट है, वन एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लोस बिटवीन टू पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर प्रोड्यूसेस या फिर एक्सपीरियंसेस फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू टू इंटू टेन पावर माइनस सेवन
न्यूटन पर मीटर। तो ये है हमारा 1 एम्पियर करंट। इसको आप बुक से भी लिख सकते हैं, मुझे तो बस ये बताना था कि ये हमारा वैल्यू कहाँ से आता है। अब 1 एम्पियर अगर हमने डिफाइन कर लिया है तो 1 कूलम कितना हो जाएगा? कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे? कूलम क्या होता है? करंट, करंट होता है चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कूलम हो जाएगा आई इंटू टी। तो व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोस इन 1 सेकेंड तो चार्ज हमारा कितना हो जाएगा? 1 कूलम। अब सपोज हमारे पास ऐसा कुछ सर्कुलर शीट टाइप का वायर है जिसमें करंट अंदर की तरफ है तो हमारा एक्चुअल में ये क्या था? फाइनाइट वायर है, उसको हमने बेंड कर दिया। फाइनाइट वायर बेंड, इसको हमने बेंड कर दिया है। यहाँ पे हमारा क्या है? एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट कैसा है हमारा? आई नॉट बाहर की तरफ वायर है और ये इस वायर के साथ थीटा नॉट एंगल सबटेंड कर रहा है। और हमें क्या गिवन है? यहाँ पे टोटल करंट है आई, तो फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन आई नॉट वायर। इस वायर पे हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो इस वायर पे अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो कितना आ जाएगा? आई नॉट, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो हमारा इस छोटे वाले इस फाइनाइट वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू इसका लेंथ, यही आएगा हमारा। अब हमें आई नॉट तो पता है, लेंथ को एल ही लिखेंगे और बी आई हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा पॉइंट था, तो मान लेते हैं थीटा एंगल पे हमने क्या किया? एक एलिमेंट लिया थीटा एंगल पे, हमने देखा कि इस वाले करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ये एलिमेंट ले लिया हमने dl और ये एंगल हो गया हमारे पास d थीटा। इसको मान लेते हैं इसका रेडियस r, रेडियस हमारा गिवन क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम r ले लेते हैं। अब जितना इस पार्ट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा अंदर की तरफ है वायर, यहाँ पे भी करंट अंदर की तरफ है, तो दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो एक यहाँ पे भी लेते हैं इस वाले और इस वाले का नेट देखते हैं। पहले देखते हैं इस वाले पार्ट की वजह से करंट अंदर की तरफ पॉइंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा? डी बी। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, आ गया हमारा डी बी, ये आया परपेंडिकुलर। दूसरा इस वाले वायर की वजह से सेम जो डी एल हमने यहाँ पे कंसीडर किया है
उसकी वजह से करंट अंदर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो यहाँ पे बना सकते हैं हम ये एंगल हमने लिया थीटा, सेम एंगल थीटा इधर पे, ये थीटा और ये भी थीटा, तो यहाँ पे इस वाले वायर के साथ एंगल बन रहा है डीबी का 90 डिग्री। अब यहाँ पे ज्योमेट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम इस वाले डीबी को देखें, इनका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान से देखना, अगर ये थीटा, तो पहले इसके लिए देखते हैं, तो हमें या तो ये एंगल पता हो या फिर ये एंगल। अगर हमारे पास ये थीटा है तो ये पूरा हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, यहाँ पे बना देते हैं। अगर ये डीबी है ये हमारा थीटा था, ये हमारा थीटा था, तो अगर ये थीटा है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर ये वाला 90 माइनस थीटा है तो ये हमारे पास कितना बचेगा थीटा, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास डीबी कॉस थीटा। इस वाले का हो गया पार्ट, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ डीबी साइन थीटा। तो इस वाले डायग्राम को हम यहाँ पे नया बना लेते हैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करके। ये वाला आ गया हमारा डीबी कॉस थीटा, और ये नीचे वाला आ गया डीबी साइन थीटा। अब हमें इस वाले डीबी का एंगल निकालना है। इस वाले डीबी पे आते हैं। अब इस वाले डीबी के साथ हमें एंगल को देखना है, तो देख लेते हैं, नया डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा थीटा था, ये हमारा डीबी था, ये भी हमारा थीटा था। अब अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला डीबी इस वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा 90, तो ये एंगल कितना बचा थीटा। इसका मतलब डीबी का ये वाला कंपोनेंट आ गया हमारे पास डीबी साइन थीटा, और एक इधर की तरफ आ गया इस वाले डीबी का डीबी कॉस थीटा। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा, जितना कंपोनेंट इधर है उतना कंपोनेंट हमने इधर लिया है इस साइड, तो दोनों की वजह से जो इनका हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमारा ऐड हो रहा है, वर्टिकल वाला कैंसल हो रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इन कंपोनेंट्स की वजह से होगा। तो पहले इतना नोट कर ले पॉज करके, तो इसको इरेज करता हूं। अब हमें इसका यूज करना है। तो डीबी नेट आ गया हमारे पास डीबी 2 डीबी कॉस थीटा। तो अब हमें आराम से क्लियर है। अब डीबी हम निकालेंगे,
ये था हमारे पास dl, हमने ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो यहाँ पे इसको एज अ इनफाइनाइट वायर मान लें क्योंकि करंट अंदर की तरफ जा रही है। इस पॉइंट पे हमारा जो कि कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, r होता है फॉर्मूला, तो db आ जाएगा म्यू नॉट dI अपॉन 2 पाई r। अब यहाँ पे dI हमें निकालना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में dI कितना है, पूरे में थीटा में फॉर dI। अब ध्यान से देखना, जब एंगल हमारा थीटा नॉट था इनिशियली, तो थीटा नॉट में करंट था हमारे पास I, करंट हमारा कितना था I, तो जब एंगल थीटा नॉट था करंट कितना था I, तो एक के लिए कितना हो जाएगा I बाई थीटा नॉट। हमने क्या देखा था, ये हमारा कितना एंगल लिया था हमने थीटा, तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा देयरफोर फॉर थीटा करंट dI हमारा हो जाएगा I बाई थीटा नॉट इंटू थीटा। ये वाला एलिमेंट हमारा d थीटा था, तो हमें लेना चाहिए एक्चुअल में d थीटा, तो dI आ गया I बाई थीटा नॉट इंटू डी थीटा। पुट कर देंगे, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, पुट 2 in 1, सेकेंड को पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो dB आ गया हमारे पास म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, dI की जगह I बाई थीटा नॉट d थीटा, dB नेट कितना हो गया 2dB cos थीटा, तो 2 म्यू नॉट बाई 2 पाई आर I बाई थीटा नॉट cos थीटा d थीटा dB नेट। इसे इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारे पास, तो अगर हम इंटीग्रेट करते, हमने यहाँ से एंगल लिया था सेंटर वाली लाइन से, थीटा एंगल कंसीडर किया था, पूरा इनिशियली कितना था थीटा नॉट, तो हम 0 से थीटा नॉट बाई 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से अगर थीटा नॉट बाई 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पहले इतना नोट कर लें, ये है हमारे पास थीटा नॉट अपॉन 2, इंटीग्रेशन में लगा हुआ है, लिमिट्स है। तो B नेट आ गया हमारे पास 0 से थीटा नॉट बाई 2 म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई बाई पाई आर थीटा नॉट, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से थीटा नॉट बाई 2, ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई बाई पाई आर थीटा नॉट साइन थीटा नॉट बाई 2, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
इस आई वाले लूप की वजह से। देयरफोर फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, आई नॉट इंटू बी आई इंटू एल। बी आई की वैल्यू आ चुकी है, इसको पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा लॉन्ग वायर है जिस पे करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है, और हमारा एक वायर है ए बी, फाइनाइट वायर है, इस पे करंट आई फ्लो कर रहा है। ये हमारा है आर नॉट पे और बी पॉइंट है हमारा टू आर नॉट पे। हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन वायर ए बी। अब फोर्स सबसे पहले देखते हैं कि हम गलत यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आई नॉट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर नॉट, टू पाई आर नॉट। तो फोर्स कितना आ गया, आई इंटू बी ये वाली वैल्यू इंटू इसका जो लेंथ होगा, लेंथ कितना है टू आर नॉट माइनस आर नॉट। तो हमें लगेगा कि ये आंसर हमारा करेक्ट है, पर एक्चुअल में ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। पहला हमारा आर नॉट है, दूसरा वाले पॉइंट के लिए आर की वैल्यू दूसरी है, इस वाले पॉइंट के लिए आर की वैल्यू दूसरी है। तो यहाँ पे फील्ड हमारा वैरी कर रहा है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम इसे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वेरिएशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा आई नॉट था, तो हम गए आर डिस्टेंस पे, एक एलिमेंट लिया डी आर, इस वायर पे करंट फ्लो हो रहा आई। तो मैग्नेटिक फील्ड एट आर डिस्टेंस कितना आ गया, डी बी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया आर डिस्टेंस पे, जो आर डिस्टेंस पे होगा वही हमारा छोटा सा डी आर पर भी होगा। अब फोर्स ऑन डी आर, डी आर पर अगर हम फोर्स देखें, एफ इक्वल टू आई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, करंट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो एल का डायरेक्शन क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, फोर्स कैसा आ रहा ऊपर की तरफ। तो एक छोटा सा फोर्स डी एफ आई बी इंटू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था डी बी फ्रॉम, हम यूज़ कर रहे हैं एफ इक्वल टू आई बी एल। तो डी एफ आ गया आई डी बी इंटू डी आर, इस पर करेंट कितना फ्लो हो रहा आई, बी और एल के बीच में, ये हमारा एल बी, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री, आई बी एल ही आएगा। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो डी एफ आ गया हमारे पास आई, डी बी है हमारे पास म्यू नॉट आई नॉट बाई टू पाई आर इंटू डी आर। अब डी एफ को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे,
ये वायर था, ये वाला पॉइंट था हमारा आर नॉट, और ये वाला पॉइंट था टू आर नॉट। तो आर नॉट से टू आर नॉट तक हम क्या कर दें, ज़ीरो से एफ आर नॉट से टू आर नॉट तक इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा नेट फोर्स ऑन दी वायर आ जाएगा। फोर्स आ गया हमारे पास एफ। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लिया, म्यू नॉट आई आई नॉट अपॉन टू पाई इंटीग्रल आर नॉट से टू आर नॉट वन बाई आर डी आर। तो म्यू नॉट आई इंटू आई नॉट बाई टू पाई वन बाई आर का एल एन आर आर नॉट बाई आर नॉट से टू आर नॉट, ये आ गया म्यू नॉट आई इंटू आई नॉट बाई टू पाई एल एन अपर लिमिट, यहाँ पुट करेंगे टू आर नॉट माइनस एल एन आर नॉट। लॉग को हम ए माइनस बी है तो ए अपॉन बी लिख सकते हैं। तो पहले उतना नोट कर सकते हैं आप लोग। अब लॉग को हम क्या लिख सकते हैं, एफ आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई इंटू आई नॉट बाई टू पाई एल एन टू आर नॉट बाई आर नॉट, ये कैंसिल, म्यू नॉट आई इंटू आई नॉट बाई टू पाई एल एन टू, ये हमारा आ गया आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोर्स बिटवीन टू वायर्स।